तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक घटना चक्र के बारे में 2019 के बाद सिक्कांक देख रहे हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक परिदृश्य में, ठीक है। तो बजट देख चुके थे, आर्थिक समीक्षा देख चुके थे, बात कर लेते हैं प्रमुख नीतिगत दस्तावेज एवं घटनाक्रम, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20। 4 अक्टूबर 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 जारी किया है। समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति के वक्तव्य में चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी की करने का निर्णय लिया गया है। मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 5.15% पर रखने का निर्णय लिया गया। तृतीय द्विमासिक मौद्रिक नीति 2019-20 में रेपो दर 5.40% निर्धारित थी। अब यहीं देख लेते हैं मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नीतिगत दरें। आरक्षित अनुपात CRR 4% है, SLR 18.50% है। नीतिगत दरों की बात करें तो रेपो दर कितने है, रेपो रेट 5.15%, रिवर्स रेपो रेट 4.90, बैंक दर 5.40, MSF रेट 5.40%। अब बात करते हैं उधार जमा दरें। आधार दर 8.95 से 9.40%। बचत दर की बात करें, बचत जमा दर 3.25 से 3.50%, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 की, ठीक है। किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा पहली बार उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। यह नीति कृषि निर्यात के लिए संस्थागत तंत्र बनाने, निर्यात उन्मुख वस्तुओं को बढ़ावा देने तथा राज्य में पर्यावरण के अनुकूल कृषि किस्मों की खेती को प्रोत्साहन करने हेतु निर्मित की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक वर्तमान मूल्य 2524 मिलियन कितना मूल्य 2524 मिलियन US डॉलर से दोगुना करना है, पर्यावरण को संरक्षित करने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना, अप्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात से मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों की ओर गमन करना है। उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान वर्ष 2017-18 की चालू कीमतों पर 25.7% तथा स्थिर कीमतों पर 22.7% है। राज्य के पास 177.21 लाख हेक्टर कृषि क्षेत्र है, जिसमें शुद्ध कृषि क्षेत्र 166 लाख हेक्टर है, जिसका 86.7% हिस्सा सिंचित क्षेत्र है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन गन्ना, आलू, दूध, मांस कुल बागवानी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2018-19 में कुल राष्ट्रीय कृषि निर्यात में राज्य का हिस्सा 7.35% है। अब बात करते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट। 31 मई 2019 को राष्ट्रीय तिथि व सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा जुलाई 2017 जून 2018 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर आधारित पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। इस तरह का पहला सर्वेक्षण वर्ष 1955 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के नवे दौर में किया गया था। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किए जाने वाला यह सर्वेक्षण 1972-73 के 27वें दौर में शुरू किया गया था, जो LML दांतेवाला समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्यों में
सर्वाधिक बेरोजगारी दर नागालैंड 21.4% तो सबसे कम दादरा एवं नगर हवेली में है 0.4%। तो याद रखना है सर्वाधिक बेरोजगारी नागालैंड और सबसे कम दादरा एवं नगर हवेली। जहाँ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 6.4% है, वहीं बिहार और मध्य प्रदेश में क्रमशः 7.2% तथा 4.5% है। भारत में औसत परिवार आकार लगभग 4.2% था या लगभग 4.3% ग्रामीण भारत में और लगभग 3.9% नगरीय भारत में था। आगे बात करते हैं वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग 52.2% ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत स्वनियोजन, जबकि एनएसओ के 68वें दौर के सर्वेक्षण में 49.8% ग्रामीण परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत स्वनियोजन था। इस रिपोर्ट में बेरोजगारी दर के आंकड़े भी जारी किए गए, जिसके अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 6.1% है। भारतीय राज्यों में शीर्ष बेरोजगारी दर वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य और केंद्र शासित दोनों में क्रमशः नागालैंड, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, फिर उसके बाद गोवा, मणिपुर। ठीक, न्यूनतम बेरोजगारी वाले दर वाले 5 राज्य तो इनमें मेघालय नगर हवेली, फिर मेघालय, फिर दमन द्वीप, फिर छत्तीसगढ़ और सिक्किम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS मई 2019 में बुलेटिन। मई 2019 में रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी किया गया। बुलेटिन में जारी आंकड़े वर्ष 2017 के संदर्भ में है। बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर नागालैंड 1,007 है, जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 47 है 1,000 पर। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। ठीक है, न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्यों की बात करें तो जिनमें नागालैंड, गोवा, केरल, पुडुचेरी, मणिपुर और सिक्किम है। ठीक है, जन्मदिन की बात करें बर्थ रेट, विगत 4 दशकों में देश में जन्म दर वर्ष 1971 के 36.9 से गिरकर वर्ष 2017 में 20.2% पर आ गई, 20.2 पर आ गई। भारत में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार में तो सबसे कम केरल में है। ठीक है, जबकि सभी भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वर्ष 2017 में शेष जन्म दर वाले राज्य क्रमशः बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर दादरा और नगर हवेली। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्यों की बात करें अंडमान निकोबार द्वीप, फिर गोवा, त्रिपुरा, पुडुचेरी और नागालैंड तथा चंडीगढ़। भारत में पिछले साल 4 दशकों में मृत्यु में दर में काफी अधिक गिरावट दर्ज की गई है। यह वर्ष 1971 के 14.9% से गिरकर वर्ष 2017 में 6.3% 6.3% हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं बड़े राज्यों छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर मृत्यु दर सबसे कम नागालैंड 3.6% में तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में 7.5%। ठीक है, वर्ष 2017 में शीर्ष मृत्यु दर वाले 5 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, पंजाब। वर्ष 2017 में न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं नागालैंड, दिल्ली, मिजोरम, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, सिक्किम। जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2015-17 के दौरान 2 अंक घटकर 496 हो गया, जबकि वर्ष 2014-16 में यह 898 था। जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में 961, सबसे कम हरियाणा में 833। 2017 में कुल प्रजनन दर सर्वाधिक बिहार में 3.2 में तो सबसे कम दिल्ली में 1.5 दर्ज की गई। बात करते हैं महिला आजीविका ब्रांड।
9 फरवरी 2019 को विश्व बैंक, यूएन, बीमेन तथा लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 10 प्रमुख वित्तीय प्रबंधन फर्मों के साथ मिलकर एक नया सामाजिक प्रभाव ब्रांड शुरू करने की घोषणा की है। इस ब्रांड का नाम होगा महिला आजीविका बॉन्ड, जिसके माध्यम से महिला उद्यमियों को 13% या उससे कम की वार्षिक दर पर 1,00,000 रुपये से 1.50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। यह ब्रांड महिलाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने या उसे बढ़ाने के लिए तथा कृषि खाद्य प्रसंस्करण सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को समर्थ बनाने के लिए कृषि निर्यात नीति 2018 की बात करें, कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने वा तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 दिसंबर 2018 को कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी गई है। इस नई नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना करने में भी मदद मिलेगी और भारतीय किसान और उनके उत्पाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकेंगे। इस नीति का विजन है भारत को विश्व में कृषि क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बनाने तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी करने हेतु धारणीय नीतियों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करना। प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा $30 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन से अधिक करना है। एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे $100 बिलियन तक पहुंचाना है। नवीन जैविक स्थानीय प्रजाति पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़कर कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर दोगुना करना है। घरेलू किसानों को वैश्विक बाजारों में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना है। अगली खबर है नाबार्ड अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 अगस्त 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार द्वारा नई दिल्ली में नाबार्ड द्वारा संचालित प्रथम अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2017-18 जारी किया गया। यह सर्वेक्षण वर्ष 2017-18 में किया गया था, जिसमें 29 राज्य के 245 जिलों के से नमूने एकत्रित किए गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर परिवारों की वार्षिक आय गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न परिवारों से अधिक पाई गई। कृषि संबंधी परिवारों की औसत वार्षिक आय 2015-16 के संदर्भ में 1,07,172 रुपये थी, जबकि गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न परिवारों की औसत आय 87,228 रुपये थी। कृषि कार्य में संलग्न परिवार में गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न परिवारों की तुलना में 23% अधिक आय अर्जित करता है। सभी ग्रामीण परिवारों की औसत आय वार्षिक आय 96,708 रुपये थी। 48% ग्रामीण परिवार कृषि कार्यों में संलग्न पाए गए। प्रति परिवार प्रति माह औसत आय के मामले में पंजाब प्रति माह याद रखना 16,020 रुपये प्रथम पर, केरल दूसरे नंबर पर 15,130 रुपये, हरियाणा तीसरे पर 12,072 रुपये। वहीं संबंध में आंध्र प्रदेश 5,842 रुपये, झारखंड 5,854 रुपये, उत्तर प्रदेश 6,257 रुपये न्यूनतम पारिवारिक आय वाले राज्य हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पंजाब में, सबसे कम आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, अगली खबर है भारत का आंतरिक प्रेषण सर्वेक्षण 2017-18। 9 अगस्त 2018 को आरबीआई द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए किए गए भारत के आंतरिक प्रेषण सर्वेक्षण के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात शीर्ष स्थान पर। विदेशों में से भेजे जाने वाले धन का सर्वाधिक हिस्सा केरल को प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कुल पेषण में संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा 26.9% है। इसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका का 22.9%, सऊदी अरब कतर 6.5%, कुवैत 5.5%। भारत द्वारा प्राप्त उस कुल पेषण का 82% हिस्सा 8 देशों संयुक्त अरब अमीरात,
अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, यूनाइटेड किंगडम एवं मलेशिया से आते। विदेशों से धन प्राप्त करने वाले राज्यों में केरल 19% के साथ शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 16.7%, फिर है कर्नाटक 15%, तमिलनाडु 8%, दिल्ली 5.9% के साथ। ठीक है, याद रखिए। फिर अब बात करेंगे हम लोग, तो ये था हमारा प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटना। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से संबंधित जो तथ्य। ठीक,